हेलो बच्चों, आज इस वीडियो विच असी अभ्यास 2.3 दे शाब्दिक सवाल करांगे। सब तो पहला असी दूसरा सवाल करांगे, यह शाब्दिक सवाल है। पहला आप सवाल पढ़ते हाँ। एक पंखे का मुल 1467 है, एक कूलर का मुल 2275 रुपए है। दोवां नूं खरीदने लई किन्नी राशि की लोड़ पेगी? सवाल च सानूं जो गल कही गई है सुनो, एक जड़ा है पंखे का मुल ते एक कूलर का मुल आपां नूं दिता गया है, दोनों नूं खरीदन लई सानूं किन्नी राशि की लोड़ पेगी, इस दे लई आपां करांगे जोड़। तो सवाल लिखते हाँ किवें करना है। पहला लिखांगे एक पंखे का मुल बराबर पा के 1467 रुपए, एक कूलर का मुल बराबर है रुपए, पहला लिखांगे रुपए का जरा चिन्ह है 2275। हुण इन्हां दा जोड़ करांगे, 7 5 12 12 2 1, 7 6 13 13 1 14, 14 4 ते हसल नाल जिहड़ी संख्या है उस ते लगेगा। हुण 4 2 6 6 1 7, जिहड़ा हसल है आपां ने उस लाइन च जोड़ लेना है, 4 2 6 6 1 7, 2 1 3, ता ए हो गया अपना दूसरा सवाल। हुण तीसरा सवाल देखते हाँ। करण कोल 9080 रुपए सन, उसने 3705 रुपए के कपड़े खरीद ले, उस कोल किन्नी रकम बाकी रह गई? करण कोल किन्ने रुपए से? 9080 रुपए, उसने 3705 के कपड़े खरीद ले, ता हुण जेड़े उसके पास जी रकम बाकी बची है उसके बारे अपन ने दसना है। बाकी रकम कढ़ने लई आपां करांगे कटो। तो सवाल लिखते हाँ, करण कोल किन्ने रुपए ने? 9080। करण कोल रकम 9080 रुपए, कपड़े खरीदे किन्ने दे कपड़े खरीदे सी? 3705 रुपए दे। तो बाकी रकम कढ़ने लई आपां की करांगे? कटो। हुण देखो जीरो विचों पंज नहीं निकल सकता, तां जीरो की है 8 तो हसल लेगा, जीरो ने 8 तो हसल लिता बन गए 10, ते इत्थे रह गए 7। इसे तरह जीरो चो 7 नहीं निकल सकती, जीरो भी 9 तो हसल लेगा, ए बन जाणगे 10 ते रह जाणगे 8। हुण उपरले अंक सारे आपां ने ठीक कर लेने, 10 चो हुण 5 कढे, 5, 7 चो 0 कढे 7, 10 चो 7 कढे 3, 8 चो 3 कढे 5, ए बाकी रकम अपने कोल बच गई है। हुण चौथा सवाल देखते हाँ, इहदा सवाल नूं पढ़दे हाँ। चौथा सवाल, एक स्कूल दी लाइब्रेरी विच 3115 पुस्तकां पंजाबी दियां, 2876 पुस्तक गणित दियां, 976 पुस्तक अंग्रेजी दियां हन, लाइब्रेरी विच कुल किन्नियां पुस्तक हन? स्कूल दी लाइब्रेरी विच पंजाबी दियां पुस्तक 3115 ने, गणित दियां पुस्तक 2876 ने, अंग्रेजी दियां पुस्तक 976 ने। हुण आपां ने दसना है कि लाइब्रेरी विच कुल किन्नियां पुस्तक ने, इस दे लई आपां की करांगे जोड़। पहला लिखते हाँ, लाइब्रेरी विच पंजाबी दियां पुस्तकां 3115, गणित दियां पुस्तकां 2876, अंग्रेजी दियां पुस्तकां 976। इस नूं लिखते वक्त ध्यान रखना है कि इकाई दे नीचे इकाई होवे, दहाई दे नीचे दहाई, सैकड़े दे नीचे सैकड़ा, ते हजार दे नीचे हजार। अंग्रेजी दियां पुस्तकां विच हजार नहीं हन, तां इत्थे खाली जगह है, चाहे जीरो भी पा सकते हैं। तां हुण जोड़ करदे हां, पहला इकाई दा जोड़, 6 6 12 12 ते 5 17, तां 17 दा 7, हसल 1, एक नाल वाले अंक ते लगेगा जिहड़ा कि दहाई वाला है। हुण 7 7 14, 7 7 14, 1 15 15 ते 1 16, 16 दा 6,
असल एक, नौ अठ सतारा, अठारा उन्नी, उन्नी दा नौ असल एक, हजार दे उपर तीन ते दो पांच, पांच ते एक छे। ता एह हो गया कुल पुस्तकां, इते लिखना अपने कुल पुस्तकां, सारियां पुस्तकां दा जोड़ करन ते जेड़ा आंसर कढ़िया अपने कुल पुस्तकां किन्नियां होईयां 6967। हुण अगला सवाल देखदे हां, दो संख्यावां दा जोड़ 9030 है, जेकर एक संख्या 2141 है तां दूजी संख्या पता करो। सवाल दे शुरू विच आपां ने पढ़ लिया है दो संख्यावां दा जोड़, इत्थे दो संख्यावां ने उसनूं जोड़ के किन्ना आया 9030, उन्हां विचों एक संख्या 2141 है, आपां ने दूसरी संख्या दसनी है। फॉर एग्जाम्पल आपां देख लैंदे हां, मान लो कि अपने पास दो संख्यावां दा जोड़ 10 है, जे अपने पास एक संख्या 6 है तां दूजी संख्या किन्नी होएगी, तां इस नूं कढ़न लई आपां की करांगे, 10 तों 6 कटा करांगे तां सानूं पता लग जाऊ दूसरी संख्या की है 4, यानी कि 6 ते 4 10, ਇਹ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ 10। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ 10 ਚੋਂ 6 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 4, ਜੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9030, ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 2141 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 9030 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅੰਕ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀਰੋ 3 ਤੋਂ ਹਸਲ ਲਊਗਾ, ਬਣ ਗਏ 10, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 2। 2 ਚੋਂ ਵੀ 4 ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, 2 ਛੋਟਾ 4 ਵੱਡੇ, 2 ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਹਸਲ ਲਏਗਾ। ਜੀਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੀਰੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੀਰੋ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤੋਂ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 10, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 8। ਹੁਣ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ 12, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 9। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਟੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ 9, 12 4 ਕੱਢੇ 8, 9 ਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ 8, 8 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 6, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 6899 ਰੁਪਏ। ਪੜਤਾਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨੌ ਤੇ ਇੱਕ 10, 10 ਦੀ 0 ਫਸਲ 1, 8 4 12 ਤੇ 1 13, 8 9 10, 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 1 9, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਇਹ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।